सभी को राधे राधे। अगर आप किसी भी कारणवश श्री कृष्ण की नगरी नहीं आ पाए हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस बार श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मथुरा में कैसी रही, तो इस वीडियो में मैं आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि मथुरा में किस तरह की श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनी। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बहुत सारे श्रद्धालु मथुरा में वृंदावन में आए इस बार। करीब 20 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु इस बार मथुरा वृंदावन आए और काफ़ी अच्छा बंदोबस्त रहा, सजावट भी काफ़ी रही। जो फेमस जगह थी वहाँ पर, जैसे कि ये होली गेट है, होली गेट पर देखो बहुत अच्छी सजावट हुई थी। ये मथुरा का प्रसिद्ध होली गेट है जहाँ पर होली जलाई जाती है, उसकी वजह से इसको होली गेट बोला जाता है। और पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी, पुलिस भी अपना बहुत अच्छा सही से काम कर रही थी। सारे बड़े जितने भी जगह थी वहाँ पर खूब सजावट हुई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मथुरा की बहुत ही प्रसिद्ध झांकियाँ होती हैं जो कि शाम को निकलती हैं, पर इस बार जो है झांकियों की संख्या बहुत कम थी। हाँ, मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 2 ही झांकियां निकलीं, और जो कि बहुत पुराने टाइम से ये निकलती आ रही हैं और काफ़ी मात्रा में होती थी, बट इस बार सिर्फ 2 ही झांकियां निकलीं। और श्रद्धालु तो बहुत आए थे, पर ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एक्टिविटीज़ नहीं हुई इस बार, काफ़ी मिसिंग थी जो जगह मेन जगह पर होनी चाहिए थी। फिर हम आपको ये रंगेश्वर महादेव का मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत अच्छा ये मंदिर सजा हुआ था। ये वो ही मंदिर है जिस पर कि कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए षड्यंत्र बना रखा था, और इसकी वीडियो आपको व्रज दर्शनम के चैनल पर भी मिल जाएगी, पूरी स्टोरी इस मंदिर की मिल जाएगी। और इसी मंदिर के साइड में रमन रेती मंदिर है, और ये रमन रेती मंदिर जो है ये बहुत अच्छा सजा हुआ था, बहुत सुंदर सजावट हो रही थी और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर थे। और यहाँ पर बाहर से ये भजन संध्या करने के लिए बुलाए गए थे, जो कि बिना किसी फीस के यहाँ पर आए थे, और अपना खूब बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और इस मंदिर में भी आपको ये देखो राधा कृष्ण की बड़ी ही प्यारी छवि आपको देखने को मिलती है। अगर आपने ये विज़िट करा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत ही प्यारे राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, बहुत ही सुंदर है। और ये हर साल की तरह यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खाना बनता है, और मथुरा वृंदावन में ये सब जगह पर जो प्रसाद है वो वितरित किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसकी भी संख्या थोड़ी कम थी इस बार। और यहाँ पर देखिए, ये भारतीय स्टेट बैंक जो और मथुरा का जो बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड, वहाँ पर इस तरह से श्री कृष्ण और राधा जो है डांस कर रहे थे, नाच रहे थे गानों पर। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलूँगा कि इस बार भक्त बहुत आए थे, पर उसके हिसाब से मथुरा में और वृंदावन में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं या जो सजावट के साथ साथ लोगों के लिए प्रसाद वितरण होता है, वो कम था। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल।